हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक परफेक्ट ड्रिपिंग हम देखने वाले हैं। अगर हमारी ड्रिपिंग अच्छी तरीके से आती है तो हमें बहुत कंफर्टेबल लगता है, साथ ही साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है। वहीं पर अगर हमारी ड्रिपिंग अच्छी नहीं है तो हमें बार बार यही लगता है कि यहाँ पर पल्लू अच्छा नहीं आया है, प्लेट्स अच्छी तरीके से नहीं बनी है, बहुत ही फ्लफीनेस आया है। तो चलिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिसके चलते आपकी जो ड्रेपिंग है वो अच्छी तरीके से आएगी। यहाँ पर आप साड़ी देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके की है, सॉफ्ट सिल्क साड़ी है और इसका फैब्रिक वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पर एंड वाला पोर्शन जो है वो मैंने लिया है, हील्स आप देख सकते हैं वेयर कर ली है। साड़ी की जो लेंथ है फ्लोर को टच करते हुए रखेंगे। यहाँ पर जब भी हम टकिंग करेंगे तो ऊपर से कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है, सबसे पहले तो लेफ़्ट साइड से टकिंग करते हुए राइट साइड तक लेकर जाना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से एक प्लेन हमें तकिन पूरा फैब्रिक कर लेना है और नीचे की जो लेंथ है वो भी एक बराबर हमारी आनी चाहिए। यहाँ पर राइट साइड पर मैंने एक सेफ्टी पिन को इस तरीके से लगा लिया है जिसके चलते ये निकलेगी नहीं। अभी हमें चारों तरफ से इसी तरीके से टकिन करना है। आप देख सकते हैं एक हमारी जो ड्रिपिंग, हमारा जो फर्स्ट बेसिक राउंड है वो अच्छी तरीके से चारों तरफ से हमने टक कर लिया है। पीछे से भी हमें ऊपर की तरफ या ज़्यादा नीचे की तरफ इस तरीके से नहीं रखना है, फ्लोर को टच करते हुए चारों तरफ से अच्छे से हमें टक कर लेना है। अभी यहाँ पर ये वाला जो पल्लू का पोर्शन है सो इसको हम कुछ गैदर कर लेंगे सबसे पहले तो, और एक पीछे से फिर से एक राउंड लेकर सामने की तरफ आएंगे। यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो फैब्रिक है ये ऊपर की बॉर्डर होती है सो इसको हम पकड़ लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर प्लीट्स को अरेंज कर लेंगे। अभी कुछ लोग कहते हैं कि हमारी प्लीट्स जो हम बनाते हैं वो फर्स्ट प्लेट बड़ी आ जाती है या फिर लास्ट प्लेट छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अगर आपको प्लीट बनाना नहीं आता है तो कोई आप दूसरा फैब्रिक ले सकते हैं और उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए प्लीट्स को अरेंज कीजिएगा जिसके चलते आपकी जो फाइनल प्लीट्स बनेंगी वो अच्छी तरीके से आएगी और सारी ड्रेप करते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अभी कुछ सेफ्टी पिंस लगा लेंगे या फिर आप चाहे तो क्लिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बेहतर होगा कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले साड़ी ड्रेप करने से पहले ही आप यहाँ पर पल्लू का पोर्शन पहले भी अरेंज कर सकते हैं, बाद में टकिंग करना वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं जिसके चलते आपका जो पल्लू का पोर्शन है वो आप थोड़ी अच्छी तरीके से बना पाएंगे, उसको वक्त दे पाएंगे और अच्छे से आपका जो पल्लू का पोर्शन है वो बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ऊपर की जो प्लीट है वो थोड़ी बड़ी रखेंगे और नीचे के जो प्लीट्स हैं वो थोड़े कम, यानी कि फैब्रिक थोड़ा कम इधर उधर भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट जो होता है पोर्शन उससे वो बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पल्लू का जो पोर्शन है वो फैब्रिक जो है वो इधर उधर से झाँकने लगेगी। अब देखिएगा थोड़ी लंबी लेंथ में हमें पल्लू का पोर्शन कुछ बना लेना है। यहाँ पर घुटने से नीचे तक हमें पल्लू का पोर्शन ज़रूर डालना है। अगर आपकी हाइट कम है तो ज़रूर ये ट्रिक जो है यूज़ कीजिएगा। अगर लंबाई में अगर आप पल्लू लेते हैं तो आपकी हाइट थोड़ी लंबी दिखाई देती है। यहाँ पर पीछे की तरफ मैंने सेफ्टी पिन लगा ली है ज़्यादा। यहाँ पर जो पल्लू का पोर्शन हम सेट करते हैं तो ये वाली जो ऊपर की बॉर्डर है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करना है और ट्विस्ट करने के बाद अब हमें एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे। और लगाने के बाद आप यहाँ पर ये जो बॉर्डर है इससे ये अच्छी तरीके से तो उभर कर दिखाई देगी ही, साथ ही साथ ये गले की तरफ भी नहीं चढ़ेगी और ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कोई सेफ्टी पिन वगैरह लगाई है, क्योंकि नीचे का जो प्लीट है सिर्फ उसी को हमें एक सेफ्टी पिन लगाकर कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। अभी जो ऊपर की तरफ हमने पल्लू के जो प्लीट्स वगैरह अरेंज किए हैं उसको अच्छे से सेट कर लेंगे और ये वाली जो बॉर्डर है पीछे से हम कुछ इस तरीके से लेफ्ट हैंड में ले लेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये कुछ इस तरीके से पोर्शन हमारा सेट हो चुका है, ये वाली जो बॉर्डर है सो अभी इसको हमें अच्छी तरीके से खींचना है पीछे से भी। और यहाँ पर अगर टमी का पोर्शन निकला हुआ है तो आप देख सकते कि वो हाइड हो जाएगा, ज़्यादा दिखाई नहीं देगा और एक सेफ्टी पिन हम यहाँ पर एक लगा लेंगे। अब जब हम प्लीट्स को अरेंज करते हैं तो हाथ की कुछ इस तरीके से कैंची कर लेंगे और प्लीट्स को अरेंज कर लेंगे। देखिएगा फर्स्ट तो हम कुछ इस तरीके से अच्छे से इसको अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर मीडियम लेंथ के प्लीट्स मैं अरेंज कर रही हूँ क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ज़्यादा हेवी नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट है, इसलिए अगर ज़्यादा ही हेवी
फैब्रिक होती है, कड़क फैब्रिक होती है, तो उसका हम थोड़ी बड़ी साइज़ में प्लीट्स को अरेंज कर लेते हैं। इस तरीके से प्लीट्स को अरेंज करने के बाद अभी हम इन सारी प्लीट्स को अच्छे से सेट भी करेंगे। अगर इसी तरीके से हमने टक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि नीचे से भी अच्छी तरीके से पोर्शन अरेंज नहीं हो चुका है, जिसके चलते फ्लफीनेस रहेगी। और जब भी हम प्लीट्स को टक इन करेंगे तो वन बाय वन प्लीट्स यहाँ पर हमें अरेंज करने हैं, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं वन बाय वन प्लीट्स हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ना कि इकट्ठा प्लीट्स हम यहाँ पर टक कर रहे हैं। अगर इकट्ठा प्लीट्स टक करेंगे तो टमी का पोर्शन थोड़ा निकला हुआ दिखाई देगा, साथ ही साथ अगर पहले से ही निकला है तो और भी आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। इसलिए थोड़ा सा इसको फैलाना है, थोड़ी सी आधी आधी सेंटीमीटर की गैप जो है उसमें छोड़नी है और सेट करते हुए जाना है। बाद में एक सेफ्टी पिन लगा लेनी है। अब हम नीचे की तरफ जो पोर्शन है उसको भी अच्छे से सेट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं नीचे से भी हमारे जो प्लीट्स है वो एकदम से इक्वली यहाँ पर आ चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये बन चुके हैं। ये वाला जो अब पोर्शन है आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा ही पोर्शन हमने पीछे की तरफ छोड़ा है, इसको अब हम टक इन कर लेंगे। तो टक इन करते वक्त अच्छी तरीके से, ना ही ज़्यादा राइट साइड में और ना ही ज़्यादा लेफ्ट साइड में पोर्शन को हमें टक करना है। ये फैब्रिक आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से आई है। अब यहाँ से कुछ इस तरीके से इस फैब्रिक को हमें राइट साइड से निकालना है, खींचना है। सो यहाँ पर लेफ्ट साइड से हमारा जो पोर्शन है वो एकदम से परफेक्टली यहाँ पर बन जाएगी, और प्लेन तरीके से या फिर यहाँ पर आप कुछ प्लीट्स भी अरेंज कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हम सेट कर लेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और टक इन कर देंगे। बाकी की जो फैब्रिक है उसको भी इस तरीके से टक इन कर लेना है। ज़्यादा ऊपर की तरफ टक नहीं करेंगे, पीछे से भी हमें देखना है कि हमारी साड़ी पीछे से भी जो बॉर्डर है वो पलट तो नहीं रही है। देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से हमारा जो पोर्शन है वो सेट हो चुका है। अभी हम एक यहाँ पर पिन लगा लेंगे, जो साड़ी के पिन मिलते हैं वो हम नॉर्मली यहाँ पर लगा लेंगे, और आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्टली लुक हमारे यहाँ पर प्लीट्स का अरेंज हो चुका है। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर का जो पोर्शन है वो भी सेट कर लेंगे। नीचे की प्लीट्स अरेंज करते वक्त अक्सर ये पोर्शन हमारा थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। सो फाइनल जो लुक है हमारी यहाँ पर बन चुकी है। आप देख सकते हैं एकदम से परफेक्टली लुक हमारा यहाँ पर आ चुका है, बहुत ही अच्छी तरीके से प्लीट्स वगैरह हमारे अरेंज हो चुके हैं। पीछे से भी बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्शन हमारा सेट हो चुका है। और कुछ इसी तरीके से अगर आप ड्रिपिंग करते हैं तो आपकी जो ड्रिपिंग है वो नीट एंड क्लीन आने वाली है, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपका लुक यहाँ पर आने वाला है। आप देख सकते हैं बॉर्डर वगैरह भी उभर कर दिखाई दे रही है। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।